ये बड़ौदा नाट्यम में अपना खुद का टी स्टॉल। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, और अगर आप सुन ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ पूरा किस्सा ही आपको बता दूँ। हर बार बताता भी हूँ जब भी कोई पूछता है मेरा और सकीना का किस्सा। नाम सुनते ही रूह को सुकून मिल जाता है। सकीना से सुकून, वो होता है ना सच्ची मोहब्बत वाला सुकून जो रूह तक उतर जाता है। मैं पहली बार उसे अपने चचा के टी स्टॉल पर मिला था। अब चाय वाय तो चचा बनाया करते थे, मुंह तो बस अक्को दिन टाइम पास करो तू, फुल डे मस्ती। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मैं बस उसे चुप चुप के देख रहा था। अब ऐसे में बोलने की हिम्मत तो होती नहीं है, चैना खरी बात। मैं उसे ताक रहा था कि मुझे देख के हंसती, अब हंसती तो हंसती, मैं भी हंसती। शौकिया वाली मुस्कुराहट देकर चली गई। अक्षय कुमार की नई नई फिल्म देखी थी तो गाना टरका दिया। हाँ मैंने भी प्यार किया है। हाँ क्या चाचा दो कट्टी। मैंने भी प्यार किया है, आए, 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 आए। उसके बाद वो रोज आया करती थी, कभी मैं उसे देख के हाथ हिलाता, कभी वो मुझे देख के हाथ हिलाया करती थी। मुस्कुराहटों का जवाब नजरों से था, लेकिन लफ्जों की जुगलबंदी कभी ना हुई। एक दिन मेरे पास आके बोली, बड़े दीवाने हैं आप, कब से मुझे ऐसे भूले जा रहे हैं, कभी आके अपना नाम भी बता दीजिए। हफीज, हफीज मेरा नाम हफीज है। उस दिन वो मेरी रूह पर दस्तखत कर गई। आशिकी पूरे उफान पर थी कि चचा ने हमारी इज्जत खराब कर दी सबके सामने। कहते हैं सुनिए ना, आजो बाजू में शाहरुख खान को जन्म करो दे। सबके सामने उतार दी हमारी। उसके बाद क्या होना था, बात उड़ते उड़ते हमारे और उनके वालिद तक पहुंची। उनके वालिद ने हमें घर बुलाया, हम घर गए, सकीना बगल में खड़ी थी। उनके वालिद कहते हैं प्यार करते हो तुम इनसे, मैंने कहा नहीं, वो बोली हाँ, मैं बोला हाँ। उसके बाद निकाह तय हो गया हमारा 29 फरवरी 2002। मेरा निकाह 29 फरवरी 2002। पूरे शहर में दंगे जिनकी शक्ल मौत से भी भयानक है, वो चीखते जा रहे हैं, वो मारते जा रहे हैं। हैवानियत से इंसान दम तोड़ रहा है और इंसानियत भी। सारा का सारा मोहल्ला कब्रिस्तान बना हुआ है। मैं अपने कब्रिस्तान से निकलकर सकीना के घर की तरफ भागा। दादी, दादी सकीना है, दादी सकीना, सकीना। पूरे घर में कोई नहीं था। मैं बाजार की तरफ भागा, सकीना सकीना सकीना। तभी बाजार से एक आवाज आई, हफीज हफीज। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि चार लोगों ने मुझे पकड़ लिया। छोट छोट, वो उसे मेरे सामने ला रहे थे। छोट ना छोट, वो उसे मेरे सामने नंगा कर रहे थे। छोट ना छोट। मेरा शरीर मर चुका था मगर रूह अभी जिंदा थी। रूह जो ना हिंदू थी ना मुसलमान थी, रूह जो अपनी आंखों से खौफनाक इतिहास देख रही थी।